आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। बैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में बड़ा गणपति पिलिया खाल स्थित प्राचीन हंसदास मठ पर सोमवार शाम को सैकड़ों भक्तों ने आकर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज के सानिध्य में भगवान रणछोड़ जी, टिकम जी एवं पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी की साक्षी में विशेष रूप से बनाए गए कुंड में दीपदान का पुण्य लाभ उठाया। इस मौके पर सभी देवालयों का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग समर्पित किए गए। अन्नकूट महोत्सव के लिए मठ पर सबसे बड़े प्राचीन कढ़ाव में राम भाजी बनाकर भक्तों को परोसी गई। मठ के पंडित पवन दास शर्मा ने बताया कि रविवार को प्रारंभ हुए अखंड रामायण के पाठ का विराम आज सुबह हुआ। यज्ञ हवन के साथ पूर्णाहुति के बाद भगवान रणछोड़ जी, टिकम जी एवं पंचमुखी हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। सभी देवताओं को 56 भोग भी समर्पित किए गए। अन्नकूट महोत्सव के पूर्व महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास, आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री एवं आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक सहित अनेक संत महंत महाआरती में शामिल थे। अन्नकूट महोत्सव के लिए तीनों देवालयों में पुष्प बंगला भी सजाया गया था। 56 भोग एवं श्रृंगार दर्शनार्थी के साथ हंस पीठाधीश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज ने देवताओं को 56 भोग समर्पित कर अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के लिए मठ पर रंगारंग एवं आकर्षक विद्युत एवं पुष्प सज्जा भी की गई थी। इस दौरान हजारों लोगों ने महाप्रसादी का लाभ लिया। दास मठ में 1700 के दशक से
स्वामी हंसदास जी द्वारा यह अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ किया गया था। जब मठ की स्थापना हुई, जितना पुराना इंदौर का इतिहास है उतना ही पुराना हंसदास मठ का इतिहास है और वही परंपरा लगातार चलती आ रही है। इंदौर का सबसे बड़ा कड़ाव यहाँ पर है जिसमें राम भाजी बनती है। अन्नकूट महोत्सव भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया गया। अयोध्या में भगवान गोवर्धन नाथ जी को जब इंद्र से बचाने के लिए अपनी उंगली पे भगवान ने उठाया तो गोवर्धन नाथ को 56 भोग लगाए गए, तब से ये परंपरा चली आ रही है और पूरे देश में यह परंपरा मनी जाती है। यह कार्तिक दिवाली के दूसरे दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक यह उत्सव मनता है अन्नकूट महोत्सव का। और आज हंसदास मठ में अंत पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे इंदौर मंडल के सभी संत महंत महामंडलेश्वर यहां उपस्थित रह के महाआरती में शामिल हो रहे हैं और भक्तगण शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा अन्नकूट का जो प्रसाद होता है, 56 भोग दर्शन भगवान के तो हुए ही हैं। आकर्षक हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया गया है, पूरे मंदिर में रोशनी की गई है और आज दीपदान का महत्व है। तो अब चूंकि यहाँ घाट बना हुआ है हंसदास मठ का, लेकिन घाट में अब पानी वैसा नहीं है तो एक कुंड भी हनुमान जी मंदिर के पीछे निर्मित किया गया है जिसमें लोग दीपदान करेंगे, क्योंकि आज हरि और हर का मिलन का दिन होता है। तो आज हरि और हर दोनों को भगवान को भोग लग रहा है 56 भोग का। और जहाँ मेन अन्नकूट महोत्सव का जो प्रसाद होता है वो राम भाजी का प्रसाद होता है। राम भाजी क्योंकि ऋतु परिवर्तन के बाद जो ठंड ऋतु आती है उसके लिए हमको हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो राम भाजी में सभी पौष्टिक आहार रहते हैं, एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि उस सब्जी से हमको साल भर तक तरोताजा, एक तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है सब्जी के माध्यम से और उस से हमारे जो शरीर के सभी तत्वों की जो कमी रहती है उसकी पूर्ति होती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनती है। कोरोना काल में भी हमने अन्नकूट महोत्सव सतत जारी रखा, भले ही कि दिवाली के बाद ज़्यादा था तो उसके बाद थोड़ा लेट किया। पिछली बार भी हमने जनवरी में किया, उसके पहले भी जनवरी में किया, लेकिन इस बार हम कार्तिक मास में बैकुंठ चौदस के दिन यह आयोजन कर रहे हैं। भगवान हरि की कृपा सबको प्राप्त हो, यही मेरी सबके प्रति मंगल कामना। एक बात और देखने में है कि इंदौर में जो है बफेट सिस्टम से अन्नकूट का शुभारंभ किया हुआ, भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। देखो चूँकि अन्नकूट एक बड़े ज़्यादा स्तर पर होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और सबको बिठा के जिमाना, क्योंकि लोगों को हम तो जिमा दें लेकिन जिमाने वालों के लिए पूरी रात हो जाए, इतनी अधिक संख्या में यहाँ लोग आते हैं। इसलिए संतों के लिए, भटकों के लिए और जो बैठ के जिमना चाहते हैं उनकी व्यवस्था तो है ही, लेकिन साथ में बफेट व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी को असुविधा नहीं हो, सभी को प्रसाद प्राप्त हो, सब प्रसाद प्राप्त करके जाएँ। कि कई लोग देखने में आता है भीड़ हो जाती है, लाइन में कौन खड़ा रहे, तो किसी को असुविधा नहीं हो इसलिए यह सुविधा।